मास्टर भी कह दे इसे ना पढ़ाना, नाम है इसका अमित भड़ाना। ऐसे ही डायलॉग्स की वजह से फेमस फेसबुक के पॉपुलर वाइनर अमित भड़ाना ने आज सोशल मीडिया के जरिए अपने टैलेंट को पूरे देश तक पहुंचाया है और अपने फैंस को खूब हंसाया है। यूं तो आज के समय में हर कोई वाइंस और फनी वीडियोस बना रहा है, पर अमित ने अपनी वीडियोस में राइमिंग और फनी पंचेस डालकर अपनी वीडियोस को अनोखा बना दिया है। पिछले कुछ ही महीनों में अमित ने खूब सारे लॉयल फैंस बना लिए हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह है। अमित भड़ाना का जन्म 7 सितंबर 1994 को दिल्ली के एक गांव जोहरीपुर में नरेंद्र भड़ाना और मुनेश जी के घर हुआ। अमित ने यमुना विहार के एक स्कूल से अपनी पढ़ाई करी। बचपन से ही अमित पढ़ाई में बेहतर रहे और क्लास में वो हमेशा से ही वो बच्चे रहे हैं जो खूब हंसी मजाक करके दूसरे बच्चों और टीचरों को हंसाते हैं। अमित को दूसरों को हंसाना बहुत पसंद था। स्कूलिंग के बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और फिर उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। और जब उनकी फर्स्ट ईयर की छुट्टियां शुरू हुई तो उन्होंने यूं ही मजे मजे में अपने फोन से एक वीडियो को डब करा और इसको अपनी फेसबुक आईडी पर अपलोड करके छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद जब अमित वापस फेसबुक पर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी वीडियो पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। तो अमित के दोस्तों ने अमित को बोला कि तुझे ऐसी और वीडियोज बनानी चाहिए। अमित ने अपने दोस्तों के कहने पर ही कुछ और वीडियोज बना डाली। अमित ने अब अपने नाम से फेसबुक पर पेज बना दिया और वो कभी कभार इस पर वीडियो डालने लगे। इसी बीच उनकी काफी डबिंग्स वायरल भी होने लगी और कमेंट्स में उनकी आवाज की भी खूब तारीफें होने लगी। उनकी बॉर्डर फिल्म की डबिंग पर 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस हो गए थे। इन सबसे उन्हें रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा मिल रहा था, पर वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें इससे कुछ ज्यादा करना था, इससे कुछ बड़ा। तब अमित के ही एक दोस्त ने उन्हें वाइंस बनाने की सलाह दी, पर अमित अपने चेहरे को वीडियोस में दिखाने से हिचकिचा रहे थे। पर फिर जब अमित के दोस्तों ने अमित का हौसला बढ़ाया तो अमित ने फाइनली अपनी पहली वाइन वीडियो बनाने का फैसला किया। वो इस वीडियो में कुछ यूनिक करना चाहते थे जो उन्हें बाकी सभी वाइनर्स में से अलग छांट सके। उन्होंने अपनी गुजरी भाषा को चुना और इसी भाषा में एक वीडियो बनाकर फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी। इस वीडियो पे उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो उन्होंने इसके बाद भी कुछ फनी वीडियोज डाली। अब इन सब के बारे में उनके आसपास के लोगों को यानी समाज को पता लगने लगा था। तो समाज के कई लोगों ने अमित से कहा कि तू अपनी लॉ की पढ़ाई पर ध्यान दे और कहीं सेटल हो जा, ये वीडियोस वगैरह में कुछ नहीं रखा। जब काफी लोग अमित से ये बात कहते थे तो अमित के दिमाग में भी काफी बातें चलती थी। अब उन्हें एक बहुत बड़ा फैसला करना था कि क्या वो आगे वीडियो बनाकर लोगों को हंसाएंगे या नहीं। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी लॉ की पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब करना जहां उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, या फिर ऑडियंस को हंसाकर अपने पैशन को फॉलो करना। पैसे और पैशन के बीच उन्होंने अपने पैशन को चुना। ऐसा नहीं था कि इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी, पर हाँ उन्होंने अब वाइंस की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। अमित स्क्रिप्टिंग, डायलॉग से लेकर वीडियो की एडिटिंग तक सब कुछ खुद ही करते हैं। धीरे धीरे उनके फेसबुक पेज की ग्रोथ होने लगी। फिर कुछ समय बाद जब अमित ने फनी वीडियोस की कैटेगरी में अपनी अच्छी खासी इमेज बना ली थी तो उनकी लगभग हर वीडियो मिलियन व्यूज से ज्यादा क्रॉस करने लगी। उनकी वीडियोस के हिट होने का सबसे मेन रीजन यही है कि वो अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोलते हैं जो वो खुद गुजरी लैंग्वेज में लिखते हैं। उनका सबसे फेमस डायलॉग है, तेरे भाई ने कर दी है जिम शुरू, जिसको चाहे उसको लपेट दूं। और ये डायलॉग लगभग आज हर इंडियन जिम लवर के मुंह पर है। आज वो लगभग हर एज ग्रुप में पसंद किए जाते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी भी खूब बढ़ रही है। जहां एक और गुजरी भाषा को लोग गवारों की भाषा समझ रहे थे और इस भाषा का प्रयोग करने में हिचकिचा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अमित भड़ाना ने इसी भाषा के साथ ये मुकाम हासिल कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी अमित भड़ाना हमें यूं ही हंसाते रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए हर हफ्ते लाता रहूँगा।